हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? स्टडी यूट्यूब का चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, एचआईवी का हमारा टॉपिक चल रहा था, जो तीसरा वीडियो आज आपके लिए रिलीज हुआ है, तो हम इसके बारे में बताने जा रहे हैं एचआईवी एड्स कैसे बनता है। दोस्तों, एचआईवी एक वायरल संक्रमण है जो यौन संपर्क के माध्यम से, रक्त के माध्यम से या माँ से बच्चे को गर्भ अवस्था के प्रसव या स्तनपान के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। एचआईवी एड्स कैसे बनता है? दोस्तों एचआईवी CD4 कोशिकाओं को नष्ट कर देता है और एक विशेष प्रकार के श्वेत रक्त कोशिकाओं को, जो आपके शरीर में रोग से लड़ने की मदद करती है, सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, क्योंकि अधिक CD4 कोशिकाएं मर जाती हैं। एड्स को बढ़ने से पहले आपको एचआईवी संक्रमण हो सकता है। एचआईवी से संक्रमित लोग एड्स की ओर बढ़ जाते हैं और उनकी CD4 की संख्या 200 से कम हो जाती है और एड्स परिभाषित जटिलता का अनुभव करते हैं। दोस्तों, एचआईवी कैसे फैलता है? एचआईवी फैलता कैसे है? एचआईवी एक संक्रमण होने के लिए संक्रमित रक्त, वीर्य या योनि स्राव आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। आप साधारण संपर्क के माध्यम से संक्रमित नहीं हो सकते। गले लगना, चुंबन, नृत्य, हाथ मिलाने या किसी व्यक्ति के साथ, जैसे एचआईवी एड्स या एचआईवी हवा, पानी, कीड़े काटने से नहीं फैलता। दोस्तों, आप कई तरीकों से एचआईवी से संक्रमित हो सकते हैं, जो इसमें हम बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट यह है कि सेक्स करने से आप संक्रमित हो सकते हैं। यदि आप संक्रमित साथी के साथ योनि, गुदा या मुख मैथुन करते हैं, तो रक्त वीर्य तथा योनि स्राव आपके शरीर में प्रवेश करता है और वायरस आपके शरीर में मुख के छिद्रों या छोटे आंसू के माध्यम से प्रवेश कर सकता है, जो कभी कभी यौन क्रिया के दौरान मलाशय या योनि में विकसित होते हैं। नेक्स्ट यह है कि रक्त आधान से कुछ मामलों में वायरस के रक्त आधान के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। अमेरिकी अस्पताल में ब्लड बैंक और एचआईवी एंटीबॉडी के लिए रक्त की आपूर्ति की जांच करते हैं, इसलिए वो जोखिम बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट यह है कि सुइयों को साझा करके, यानी कि सुई लगाने से, यदि एचआईवी संक्रमित रक्त सुइयों से सिरिंजों के माध्यम से प्रेषित किया जाता है, यानी लगाया जाता है, जो एचआईवी संक्रमित सुई है उसको लगाया जाता है, अतः सिरा दवा पैराफोनलिया साझा करने से आपको एचआईवी और हेपेटाइटिस जैसे अन्य संक्रमण रोग लग सकते हैं। उसका या प्रसव के दौरान स्तनपान के माध्यम से गर्भवती माताएं अपने बच्चों को संक्रमित कर सकती हैं, लेकिन गर्भावस्था के दौरान एचआईवी संक्रमण के लिए उपचार पर्याप्त करने से माताओं बच्चों के लिए जोखिम कम हो जाता है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे आने वाले हो रहे हैं जोखिम, क्या जोखिम होते हैं, आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में क्या जोखिम होते हैं और हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए एड्स के बारे में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।